जा रही हूँ जो फहद भाई काफ़ी टाइम से जाने की कर रहे थे। सो वो डेज आ चुके हैं माशाल्लाह, और इनकी तैयारी फुल माशाल्लाह माशाल्लाह हो रही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके ठीक हूँ। अच्छा, ब्लॉग ना बनाने की या बहुत दिनों के बाद बनाने की क्या वजह थी, तो वो बताने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि मे बी पॉसिबल कि कुछ लोगों की दिल आजारी हो या किसी को बहुत नेगेटिव फील हो। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये ब्लॉग देखने के बाद आप लोगों को दिन या वक्त बहुत बुरा गुजरे, तो उससे पहले कि आप ये ब्लॉग मत देखिएगा। और अगर फिर भी आप लोग दिल चाह रहे हैं या सुनना चाह रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो फिर आप लोग देखते रहिए, इसमें कोई मसला नहीं है। मतलब तो मैंने ये तैयारी मेरी हो गई है, मैं जा रहा हूँ टूर पे। टूर पे जाने से पहले मैं कोई भी नेगेटिव एनर्जी अपने साथ लेके नहीं जाना चाहता, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाना चाहता हूँ। मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ आपको दिखाई दूंगा ज़ाहिर। तो मैं ये मेरे चैनल की सबसे नेगेटिव वीडियो हो सकती है, क्योंकि जो भी कुछ मैं बोलने वाला हूँ वो मैं इसी वीडियो में बोलूँगा, ना मैंने पहले कभी बोला था और ना मैं आगे कभी बोलूँगा। तो ये मेरे चैनल की फर्स्ट एंड लास्ट सबसे नेगेटिव वीडियो हो सकती है, तो बर्दाश्त कीजिएगा। और अगर आप लोग इससे ऑफेंड हो सकते हैं तो आप लोग चाहें तो नहीं देखें ब्लॉग, या मुझे अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो के बाद मैं ये भी बता दूं कि सब्सक्राइबर में मेरे बहुत गिरने वाले हैं, लेकिन उससे मुझे कोई मसला नहीं है। जब अल्लाह ताला आपके साथ हो तो आपको किसी से भी डरने की या कुछ भी अफसोस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो दिल से सपोर्ट करते हैं मुखलिसी के साथ उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, होता ये है कि आप अपने, एक तो होता है ना ब्लॉगर्स को लोग बोलते हैं कमेंट्स में कि आप अपने घर वालों को दिखाएं, कुछ भी है, तो मैं बताता हूँ रीज़न कि वो लोग क्यों नहीं दिखाते। कुछ ब्लॉगर्स तो बता भी देते हैं, कुछ नहीं भी बताते पर्सनल रीज़न की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है मैं शुरू से, जब से फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड करी है अपने चैनल की, तो अब तक मैं रियल ही रहा हूँ, हंसी मजाक या कुछ भी एक्सपायर जाए तो अभी भी मैं रियल ही रहूँगा। कुछ ब्लॉगर्स अपनों को या घर वालों को नहीं दिखाते क्योंकि वो जो है ना इस काबिल नहीं होते कि उनको वीडियो में दिखाया जाए या उनके साथ वीडियो बनाई जाए। तो हो सकता है पिछले ब्लॉग्स में कुछ लोगों को हटा के जितने भी लोग दिखाए हों मैंने, नेक्स्ट टाइम से वो मैं ना दिखाऊं, जानबूझ के भी या कोशिश भी ये करूँगा कि मैं ना दिखाऊं, क्योंकि होता है ना कुछ लोग डिजर्विंग नहीं होते, या होता है कि खैर अगर आप लोग कमेंट करें या कुछ भी आपकी तारीफ करें या बुराई करें तो एक जस्टिफाइड है, समझ में आता है भाई खैर है, लेकिन जब आपके अपने आप से जेलस होने लगे ना, तो इसलिए वो चुना फिर बंदे के दिमाग और घूम जाता है। तो यही वजह थी कि तो मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे सीन हुए मेरे साथ, ज़्यादा वो तो मैं नहीं बताना जरूरी समझता, लेकिन कुछ सीन मेरे साथ ऐसे हुए कि, और दूसरा ही कि आपके अपने अगर आपके साथ ऐसा करें तो ये तो खैर बहुत ही गलत चीज़ है, आप लोग भी जानते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आपको माशाल्लाह से अगर आपको कोई बढ़ता हुआ देखता है ना, तो जलन के मारे अब ज़्यादा एक होता बंदा डायरेक्ट कुछ नहीं कर पाता, एक होता ना कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाली कहानी होती है। तो मेरे साथ ऐसे ही कुछ सीन हुआ, जो भी हुआ कुछ तो छोड़े मैं क्या बताऊँ, लेकिन इतना आप लोगों को भी अंदाजा हो जाता है कि जब आपके अपने ही आपके साथ ऐसे होता है ना, तो फिर आपका फिर जो है इस चीज़ से दिल उठने लगता है। ले खैर मेरा तो ऐसा नहीं था, मेरा खाली दिमाग घुमा हुआ था, इसलिए क्योंकि मेरा एक फैक्ट है जो शायद ना पता हो जो नए हैं इस चैनल पे, मेरा ये होता है कि आपकी अगर तरबियत अच्छी हो, आपकी नेचर अच्छी हो ना, और आपको आदत हो कि आप मामला ख़राब ना हो, तो उसको आप हंसी मजाक में उसको बैलेंस करके तो दरगुजर कर दो, तो फिर होता है लोग आपको हाथों में पहनना शुरू कर देते, हाथों में पहनो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मैं तो मुझे कोई भी कुछ बोलता है करता है मैं हंसी मजाक में टाल देता हूँ, चाहे वो मेरा मजाक उड़ाए या मेरी बुराई करे या पीठ पीछे मुझसे जेलस हो, तो मैं उसको हंसी मजाक में उड़ा देता हूँ। ये मेरी तरबियत है, सही है। नेक्स्ट टाइम से हो सकता है मेरी तरबियत पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाए, उससे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे ही कुछ हुआ था मेरे साथ, इसलिए मैं बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, क्योंकि आपके जब अपने ऐसे हो ना, तो फिर आपको एक वो नहीं रहता कि आपको फिर सपोर्ट की उम्मीद ही नहीं रहती किसी से, क्योंकि भाई ये फलाना बंदा ये बंदी भी सपोर्ट करेगी नहीं या करेगी। मेरे ब्लॉग के साथ कभी ऐसा मसला होता है, कभी किसी की बीवियों को मसले हो जाते हैं, या कभी किसी के शौहरों को मसले हो जाते हैं, या कभी किसी के बच्चे ही बीमार पड़ जाते हैं मेरे ब्लॉग की वजह से। आई डोंट नो कि क्यों ऐसा, शायद मेरे ब्लॉग्स में शायद कोई असरात या जिन्नात होते होंगे जो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, तो आप लोग भी ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो इस वजह से वैसे बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सी मुझे वीडियोज़ और ब्लॉग्स अपने चैनल से डिलीट करने पड़े जिनका मैंने अनाउंस नहीं किया, क्योंकि ज़रा पर्सनल मैटर थे, अब तो खैर नहीं है पर्सनल मैटर, क्योंकि मैं बिल्कुल रियल और रॉ होकर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। कि बहुत सी मुझे वीडियोज़ और ब्लॉग मुझे डिलीट करने पड़े कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोग के अपने ही थे, जो बात है मैं बिल्कुल रियल रहूँगा। मैंने कहा था कि मेरे चैनल की सबसे नेगेटिव वीडियो होगी, तो अगर आपको अगर बुरा लगे तो हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो या इस वीडियो को यहीं पर कट कर दो। तो मेरे साथ भी ऐसे प्रॉब्लम हुए कि
किसी के बच्चे बीमार पड़ गए, किसी की बीवियों को मसले होने लगे, किसी के अब्बा अम्माओं को मसले होने लगे, जबकि मेरा पूरा वीडियोज आप पूरी देखें शुरू से लेकर अब तक मेरा पूरा फैमिली कॉन्टेंट होता है। मैं अपने घर की लड़कियों को मैं फेस रिवील नहीं करता, ये मेरी मर्जी है, मैं नहीं करता, मैं किसी की भी लड़की को रिवील नहीं करता जो खुद से आना ना चाहे जब तक मेरी वीडियो में तक। हाँ, ऐसा होता है कि कभी जैसे कोने खुदरे में या कहीं से कोई गुजरता हुआ दिख गया तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, हजार सी बात है कि अगर कोई लड़की गुजर गई है या कोने में कोई खड़ी भी है तो मेरे घर की भी लेडीज होती हैं, लेकिन मेरे घर से कोई इतने मतलब 50% बोलूंगा, अरे मेरे घर से भी कुछ लोग मेरे अपने नहीं है तो कुछ बोलते हैं भाई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे तो आ गया भाई, बड़ा एक पूरा एक बड़ा माहौल है, इतने लोग इसमें जमा है, उसके अंदर अगर से कोई दिख जाता है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे तो अपना कवर करना होता है। तो यही कुछ हुआ, कभी किसी की बीवियों को मसले होने लगे, किसी के शौहरों को मसले होने लगे, जबकि फैमिली कंटेंट है, इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं, ना मैं मुझसे कोई गालियाँ देता हूँ, ना मेरी जबान से कुछ ऐसा वर्ड निकलता है जिससे कोई अपना ऑफेंड हो, तो बस यही वजह थी जो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो ये कि अब तो मैं जा रहा हूँ टूर पर फाइनली, अपनी जो मेरी फेवरेट जो मेरी टेरिटरी है पहाड़, मुझे पहाड़ों से बहुत मोहब्बत है आप लोग जानते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ सुकून के लिए लेकिन वहाँ पर मैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाऊँ, तो जो पूरी नेगेटिव एनर्जी है नेगेटिव लोगों के साथ मैं इस ब्लॉग के साथ एंड कर दूंगा, और हो सकता है कुछ लोगों को मैं आगे ना दिखाऊँ, क्योंकि एक मेरा फैक्ट ये भी है कि मेरे अंदर जो ना रिटेलिएशन की आदत नहीं है कि मैं उसको जवाब दूँ आगे से, या कोई मेरे साथ कोई गलत करे मजाक उड़े तो मैं आगे से जवाब दूँ, मैं यूजली हंस के डाल देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आगे से मैं रिटेलिएट भी करूँगा, और रिटेलिएट से पहले मैं ऐसे लोगों को नाराजगी या गुस्सा भी जाहिर नहीं करता, मैं सिंपली अपनी लाइफ से मैं कट कर देता हूँ, मेरे लिए वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाते हैं, ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते मेरी लाइफ में, तो इसलिए रिटेलिएट तो बहुत दूर की बात है, तो खैर मैं अपने ऐसे लोगों को मैं अपनी ज़िंदगी में भी नहीं रखता, तो ऐसे भी मैं नहीं किया, कुछ लोग थे मेरे अपने ही थे जिनको मैंने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल कट कर दिया, इस वजह से कि मैं जितना कोशिश करता हूँ पॉजिटिव रहने की सबके साथ, लेकिन मुझे रिटर्न में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, मेरे साथ ये होता है डायरेक्ट किसी को मुँह पर बोलने की हिम्मत नहीं होती, अपनों की बात कर रहा हूँ मैं बिल्कुल रॉ होकर, तो होता है कि वो कंधों पे रख के बंदूकें चलाते हैं, वो किसी और के जरिए वो अपने काम करवा लेते हैं, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ पिछले कुछ 15-20 या एक महीना कह लें, तो इसलिए अभी जो ब्लॉग मेरे लेट लेट आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ों से मैं गुजर रहा था पूरी तरह से, तो ये कि इस ब्लॉग के जरिए तरह मेरे जो पूरी नेगेटिव एनर्जी थी वो भी मेरी निकल गई, तो मैं जा रहा हूँ बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और जो आप लोग इंशाल्लाह ताला जो मैंने सोचा हुआ है अल्लाह ताला जाना नसीब करे, इन्जॉय करना हमें नसीब करे, तो जो कुछ मैंने सोचा हुआ है तो आगे जाके तो इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आने वाला है, और जहाँ भी मेरे अपने ही बंदे रहे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत इंजॉय करने को मिलेगा। पहले भी 2018 में भी गया मैं ट्रैवल पे, 19 में भी गया, लेकिन उस वक्त ब्लॉगिंग शुरू नहीं की थी, इसका मुझे अफसोस है कि मैं उस वक्त कर देता था तो आगे होता, लेकिन अल्लाह की मर्जी है, जिस वक्त जो होना होता है वो तभी होता है, लेकिन अब आप लोग देखेंगे कि मेरी ट्रैवलिंग जो होती है किस तरह की होती है, और जो मेरे साथ लोग जा रहे हैं वो इतने तफरी वाले माशाल्लाह से नजर बच से बचाए और सपोर्टिव भी बहुत है मेरे साथ, कुछ लड़कियां मेरे घर में भी हैं जो बोलती हैं कि फाफी हमें मसला नहीं है, हमारे माँ बाप को मसला नहीं है, आप हमें ले सकते हो, लेकिन मैं नहीं लेता क्योंकि मेरे अंदर आदत नहीं है लड़कियों को लेने की, स्पेशली उनका फेस रिवील करने की। हाँ, अगर गलती से कोई आती थी तो मैं इमोजी लगा के उसको कवर कर लेता हूँ, मेरे अंदर ऐसी आदत नहीं है किसी भी लेडीज़ को या लड़की को दिखाने की, ये मैंने ये भी बता दिया, ये मैंने खुल के नहीं बताया था, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी भी लड़की को अपने ब्लॉग में ना लूँ, हाँ अगर गलती से आ जाती है उसमें आ जाती है तो उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। तो ये कि अभी उस तैयारी शुरू हो गई है, और ये कपड़े मेरे थोड़ी बहुत शर्ट्स खा रहे हैं तो मुझे इस्त्री करवानी है, ज़रा बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में होगी, बाकी पैंट्स पे तो नहीं होगी, तो मेरा बस तैयारी पैकिंग शुरू कर रहा हूँ मैं, और बाकी शूज़ हैं, सारे कपड़े हैं, और ठंड भी होगी वहाँ पे, जहाँ जा रहा हूँ वो आप लोगों को वहाँ जा जाके अपडेट करता रहूँगा। कोशिश मेरी यही है कि व्लॉग्स बहुत अच्छे आए, तो ये हो सकता है कि मैं व्लॉग प्रॉपर व्लॉग में वहाँ से आने के बाद डालूं, लेकिन चैनल को अपडेट रखने के लिए, आप लोगों को अपडेट रखने के लिए शॉर्ट्स या जो भी कुछ हो सका या अपडेट हो गई कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ, कहाँ पे मौजूद हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो आप लोग अपडेट करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। जो जानते हैं कि मेरी ट्रैवलिंग किस तरह की होती है तो वो लोग तो बहुत एक्साइटेड होंगे, और अगर किसी को मसला है, किसी को जेलसी है, तो मैं इसमें क्या बोलूँ, बस अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे, इससे मेरे साथ गलत किया, अल्लाह उसको भी हिदायत दे, तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा, बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा भाषण हो गया, लेकिन मुझे बोलना भी बहुत ज़रूरी था, ये बहुत दिनों से मेरे दिल में चल रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं हर चीज़ में रियल रहा हूँ और मैंने कोशिश करी है इस तरह का कोई भी मैटर मैं अपने चैनल पे ना लाऊं, लेकिन जब मैं सब कुछ ही रिवील कर चुका हूँ तो ये भी मुझे करना बहुत ज़रूरी था, तो मे भी हो सकता है ये मेरे चैनल की फर्स्ट एंड लास्ट सबसे नेगेटिव और गंदी वीडियो हो, तो ये मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ मैंने बोल दिया है।
अब इसके बाद अगर आप लोग सब्सक्राइब रखेंगे मुझे तो वो आप लोग की मर्जी है, नहीं रखेंगे तो भी आप लोग की मर्जी है। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह की जात है, तो अल्लाह ने चाहा तो हम आगे और तरक्की करेंगे। अगर दो तीन लोगों के जिंदगी से निकल जाने से आपकी जिंदगी या आपके काम रुक नहीं जाते, लेकिन हो सकता है कुछ फेसेस जो मैं पहले लाता था अब मैं ना लाऊं जानबूझ के, क्योंकि जब लोगों को मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल देता हूँ तो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट हो जाते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए कि नाराजगी और जवाब शिकायतें मेरे अंदर ये आदत नहीं है, ना मेरे अंदर रिटेलिएशन की आदत है, लेकिन अब बराबर से जवाब भी मिलेगा और जवाब से पहले तो मैं निकाल ही चुका हूँ अपनी जिंदगी से। तो बस मुझे ये बताना था, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही बोर और भाषण लग रहा है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। बस यही थी मेरे चैनल की लास्ट वीडियो इस तरह की नेगेटिव। आइंदा से इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला लोगों की हसद जलन बोगस से बचाए। इतनी हसद जलन नहीं रखनी चाहिए किसी से भी, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कयामत में देखेगा भी नहीं। जो है, जो फैक्ट है, जो नमाज पढ़ता है उसको इस सब चीज़ों का पता होता है, किसी के साथ गलत या किसी के साथ बोगस किना नहीं रखना चाहिए। खासतौर पर जेलस तो बिल्कुल भी होना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको को भी दिया है, अल्लाह ताला ने हमें भी दिया, अल्लाह ताला इसी तरह और सबको भी दे। सब अपने घर में अच्छा खाते हैं, अच्छे पीते हैं, कुछ लोगों की जिंदगी से निकल जाने से आपकी जिंदगी, आपके काम रुक नहीं जाते। उसको सपोर्ट करना होता है जो आपको बचपन से जानता है कि आप किस नेचर के हो, किस आदत के हो। इस वीडियो के बाद अगर वो लोग भी अगर मुझसे बैक कर जाते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी मर्जी है। बस मैं यही कहना चाहूंगा और वीडियो बहुत बड़ी हो गई और माइंड को बनाते बैठ तुम्हारे हाथ में दुख गए तुम्हारे, तो मैं एंड करता हूँ। अब आगे से जो भी कुछ होगा मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा, टिकट्स भी आ गए हैं उससे भी आपको अपडेट करता रहूंगा और तुम स्त्री करो। तो जना इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे, मेरे खास ये वाली तो नहीं लगेगी लेकिन आप और वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी। इंशाल्लाह ताला सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर। आप इसको देखने के बाद बातें बनाइएगा। बाय बाय। अरे देखिए स्त्री हो रही है जो कि उन्होंने सारी बातें भाषण सुन ली है।